कदम मिलाकर चलना होगा। बाधा है, आती है, आए घृण प्रलय की घोर घटा है, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। का अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती, जहाँ पर्वत राज हिमालय पहले की तरह आठों कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है, ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है, जिसके पास अटल बिहारी है। आज हम भारत देश के महान सपूत, सच्चे भारतीय, उच्च कोटि के कवि, असाधारण व्यक्तित्व के मालिक और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अटल जी जैसे सपूतों के कारण ही तो हम आजाद भारत के नागरिक कहलाते हैं, हम आजाद भारत के नागरिक कहलाते हैं। दीन निष्ठा का लिए निष्काम, वर्ष टूटे या उठे भूकंप, बुझे दीप पश्चिमी गगन के, बुझे दीप पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान। कल कल करके आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, पहला कोई काम न आया, रसपन रीत चला, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, जिससे खुल जाए अलस पलक, नस नस में जीवन जागृत हो, नस नस में जीवन जागृत हो अंग अंग में जोर चलक, हो अंग अंग में जोर चलक। ये बंधन चिर बंधन, ये बंधन चिर बंधन, टूटे फूटे प्रासार गगन चुंबी, टूटे फूटे प्रासार गगन चुंबी, आओ मिलकर हर्ष मना डाले, आओ मिलकर हर्ष मना डाले, फूके उड़ती मिट जाए सभी, फूके उड़ती मिट जाए सभी। परछाई से हारा अंतर तम का ने निचोड़े, बुझी हुई भांति सुलझाए, आओ फिर से दिया जलाए। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। राष्ट्र के पुरोधा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही वो प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री के शीर्ष पद पर पहुंचकर वो शिखर के राजनेता के रूप में विख्यात हुए। इसके साथ साथ वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक किशोर सक्रिय सदस्य तथा एक कुशल पत्रकार और सफल कवि भी थे। उनकी कविताओं में, उनकी वाणी में इतना तेज था, उनकी ओजस्वी और चमत्कारी वाणी तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन इस तरह से करती थी कि सारे भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को भर देते थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और जेल की यातनाएं भी सही। वो ऐसे युग पुरुष थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1 बार 13 दिन के लिए और 1 बार 13 महीने के लिए और 1 बार 5 साल के लिए। अपने शासन काल में उन्होंने भारत को विकसित और मजबूत बनाने के साथ साथ उन्होंने लोकतांत्रिक, अच्छा लोकतांत्रिक शासन देना, साम्यवाद, लोक कल्याण की भावना से भरपूर शासन देने का सपना रखते थे और उसमें वो जीवन भर प्रयासरत रहे और अद्भुत कार्य करते रहे। उनके अद्भुत कार्य में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय हाईवे विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कार्यरूप दिया गया। कारगिल विजय भी इन्हीं के नाम जाती है। राजस्थान के पोखरण जिले में 5 सफल परमाणु परीक्षण भी कराए गए।
राष्ट्र के प्रति इनके अच्छे कार्य को देखते हुए इनके जन्म दिवस जो कि 25 दिसंबर को है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सुशासन तथा अच्छा शासन जिसका सपना वो हमेशा देखते रहे और उनके जीवन का परम उद्देश्य था। उनके राष्ट्र के प्रति कार्यों को और भावनाओं को देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हमारे अदम्य साहसी राजनेता चाहे आज हमारे बीच हो ना हो परंतु उनकी वाणी और कविताएं आज भी हम सबके मन में जोश और राष्ट्रीयता की भावना को भरती रहेंगी। जैसा कि उन्होंने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा, काल के गाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।